जमाना था, लव स्टोरी थी, लेजेंडरी लव स्टोरी. एंड एट द एंड ऑफ द प्ले द डायरेक्टर कम्स ऑन स्टेज एंड आस्क ऑल ऑफ अस लाइक दिस कि साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे. इट वॉज क्वाइट अ क्वेश्चन. एवरीबडी रेज द हैंड्स. आई डिडंट हैव द करेज टू रेज माई हैंड. एंड दैट क्वेश्चन गॉट मी. Why do we hurt them the most, whom we love the most? हम उसी को क्यों सबसे ज़्यादा सताते हैं जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार भी करते हैं? ऐसा होता क्यों है प्यार में? What is this love? It's so illogical. तो ये सारे सवाल घूमते रहे. साहिबा एंड मिर्ज़ा, फॉर आई एम अज्यूमिंग एवरीबडी नोज द स्टोरी, बट फॉर दोज हु डोंट, they were soulmates from their childhood. They grew up and then they found themselves on opposite sides in warring families, thirsty for each other's blood. But they were in love. Their souls could not be disconnected. Everybody tried so, but it didn't happen. And when the time came, they ran away from the world. They galloped on their horse, a beautiful black horse called Bucky. 3 days, 4 nights, finally there was safety. एक और वैली की बात थी, बस उसको क्रॉस करना था उनको. बट अंधेरा हो चला था. They took rest under a tree. And they fell asleep. But what they didn't know and what they were fearing the most, there was a posse of Saiba's brother and some 100 horses looking for them. Unke khoon ke pyaase, unke peeche. In the morning, Bucky shouted a warning signal. He went up in the sky and warned her master, Mirzya, to wake up. Mirzya woke up and the brothers had surrounded. There were 100 horses, 100 bows and arrows. He went for his bow. He picked up the arrows, but the arrows were broken. All the arrows were broken. And he looked at Saiba and he said, why? Why did you do it? And then the brothers of the arrows, Saiba's brothers shot the arrows. Mirza, he bled to death. And he had that question in his eyes. And I had this question in my heart for 35 years. Somewhere deep down, it was there. You, life is funny. You find yourself in a director's chair, and then you want to tell stories. Where do you get stories out of? You get them out of your own experiences. So I called up Gulzar bhai and I said, Gulzar bhai, chai. He said, aajao. He's my neighbor. I went to his house and I said, Gulzar bhai, Saiba ne teer kyon tode the? So he says, bachchu. He calls me bachchu. Bachchu, wo to tum Saiba se jaake poochho. And I said, sir, mil nahi rahi hai. बहुत सालों से ढूंढ रहा हूँ. अच्छा ठीक है, चलो हाथ पकड़ते हैं, ढूंढते हैं साहिबा को. जब मिल जाएगी उसी से पूछ लेंगे तुमने तीर क्यों. राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक अगेन. मिर्ज़ा करते हुए ये जो सवाल साहिबा के बारे में बोल के गए हैं राकेश, वो सवाल उन्होंने मुझसे भी पूछा था, मुझसे ही पूछा था बल्कि आगे के, बताइए कि उसने तीर क्यों तोड़े. अब मैं इतना ही कह सकता था कि मैंने साहिबा से पूछा नहीं, पूछ लेता तो बता देती या आप उनसे पूछिए. तो वो जिम्मेवारी उन्होंने मुझ पे दी कि आप पूछ के बताइए. सो आई सेड कि लेट्स गो, चलो साहिबा से मिलते हैं चल के. तो साहिबा से पूछेंगे.
राकेश के साथ ये फिल्म करते हुए ये सफर में बड़ा मजा आया है, बहुत खूबसूरत है. और सिर्फ यही है कि वो अक्सर टेक्स्ट बुक से बाहर के सवाल पूछ लिया करते हैं और तब बड़ी दिक्कत होती है. तो मैं अब ये कि स्कूल से ही तो मुसीबत थी मेरे लिए, इम्तिहान देते हुए बड़ा डरता था कि भाई हाँ आपने जो सिखाया वो पूछ लीजिए, उसका जवाब दे दूंगा, जो टेक्स्ट बुक में है वो पूछ लीजिए, ज्योग्राफिया पूछ लीजिए, हिस्ट्री पूछ लीजिए, मैथ्स मत पूछे क्योंकि वो मैं बहुत ही ख़राब था, पहाड़े सुना दूंगा एक से लेके दो से लेके छः तक दस तक, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में नहीं है उसके बाहर पूछेंगे तो क्या होगा. और उनके साथ स्क्रिप्ट करते हुए वो मज़ा वही था कि जो टेक्स्ट बुक से बाहर वो सवाल पूछते थे उनके जवाब ढूंढने पड़ते थे वाकई. और इस जवाब की तलाश में मैंने एक सफ़र किया लंबा, जाके मिला साहिबान से, मिला साहिबा ने वही बात कही जो राकेश पहले ही कह चुके थे कि इसमें अब इसमें तो ये होता है और ऐसा ही होता है कि चोट कहीं लगती है जाकर और जख्म कहीं पर होता है, होता है इश्क में ऐसा होता है. तो साहिबा की कहानी में सोचा अगर मैं कहूं तो इश्क के एक पहलू की कहानी तो मिल जाएगी. तो जावेद साहब मैं वो जरा सी वो कहानी सुना दूं इजाजत हो तो. अब उस वक्त ये शक्ल गाने में नहीं थी, मैंने तो सीन की सूरत में ही लिख के दिया था कि एक नदी थी, एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के बहती थी. अब जाहिर है कि नदी के दोनों किनारे भी जरूरी हैं, लेकिन उसको अगर एक इंडिविजुअल मान लिया जाए तो दो किनारे दो शख्स हो जाते हैं, दो शख्सियतें हो जाती हैं या दो इमोशन या दो जज्बे हो जाते हैं, और वहीं से वो कहानी का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है. एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के बहती थी, कोई किनारा छोड़ न सकती थी. एक नदी थी, एक नदी थी, करवट ले तो सारी जमीन बह जाती, तोड़ती तो सैलाब आ जाता, करवट ले तो सारी जमीन बह जाती. हाँ एक नदी थी, आजाद थी जब झरने की तरह चट्टान पे बहती थी. अब ये कहानी है उसकी साहिबा की. हम शोर के खास तौर पे हमारे दोनों अदाकारों, तीनों अदाकारों को, ये तीनों अदाकारों को ये बात समझ में आ गई. और कहाँ से थैंक यू अनिल फॉर गिविंग अ सच अ स्टार एंड लवली ग्रेट एक्ट हर्षवर्धन कपूर, बहुत खूबसूरत एंड व्हाट ए परफॉर्मेंस बाय हिम. एंड ऑफ कोर्स किसी की भी परफॉर्मेंस कम नहीं है. तन्वी जी से कहूँ मैं कि मैं क्या आप पूरी फैमिली के साथ काम किया हुआ राइट फ्रॉम उषा किरण जी व्हेन आई वाज एन असिस्टेंट इन काबुलीवाला, और फिर आपके साथ, और अब साहबजादी आपकी उसके साथ काम किया. तो इसी कहानी में से ये किरदार निकले हैं और मिले हैं मुझे. एक नदी थी, तोड़ती तो सैलाब, दोनों एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के बहती थी, कोई किनारा छोड़ न सकती थी, तोड़ती तो सैलाब आ जाता, करवट ले तो सारी जमीन बह जाती. एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के बहती थी, आजाद थी जब झरने की तरह चट्टान पे बहती थी, लेकिन दिल एक जालिम हाकिम था, लेकिन दिल एक जालिम हाकिम था, वो उसके जंजीर उसकी जंजीरों में रहती थी. एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के बहती थी. आगे कहानी आपको सुनाएंगे.